ये कॉपर का गिलास या लोटा, कोई भी एक चीज़ इस मटके के पानी में डाल के छोड़ देनी है। कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो मिट्टी में ना होता हो। तो मिट्टी में जब आप कॉपर का गिलास छोड़ दोगे तो 7 दिन बाद उसको नींबू से ही साफ करना है। तो ये बन गया हमारा मिनरल वाटर, जो कि असली मिनरल वाटर होता है। ये होता है मटके में कॉपर का गिलास या लोटा डाल के छोड़ दिया। फिर इसी पानी को हमने जब 12 घंटे कम से कम पड़ा रहा तो हमने भर दिया एक कांच के जग में। और मैं आपको बता रहा हूँ, मिनरल वाटर, उसके बाद अल्कलाइन वाटर, और इसको फिर मैजिक वाटर बनाने का तरीका। और मैं हूँ आचार्य मनीष, मेरे साथ है डॉक्टर अवधेश पांडे जो MBBS MD हैं। इस पानी को जब हमने ले लिया तो ये जो चीज़ें आप देख रहे हो, गाजर, खीरा, नींबू, अदरक, मिर्च, धनिया, पुदीना और आंवला, अब इन्हीं के अंदर, इन्हीं के जो भी इनके पीसीस बड़े बड़े हैं काट के, हमने इसमें दो दो तीन तीन पीस डाल दिए। ये तुलसी के पत्ते डाल दिए, ये इसमें अदरक, कम से कम इतनी लंबी अदरक, ये लगभग 2 उंगली जितनी अदरक, यानी कि ये उंगली, ये 2 अदरक के पीस बड़े बड़े मैंने इसमें डाल दिए। और ये इसमें मैंने धनिया पुदीना, अब इसमें 2 मिर्चें डाल दी। अब ये पानी हमारा एल्कलाइन वाटर बन रहा है। अब इसको मैजिक वाटर बनाना है। तो जब इसको पड़े हुए 6 घंटे हो जाएं कम से कम, इस पानी को डॉक्टर अवधेश पांडे ये भी बता देंगे कि ये पीना क्यों है। तो उसके बाद जब ये 6 घंटे पड़े हुए हो गए, उसके बाद इसमें डालने हैं आंवले के 3 या 4 टुकड़े। अब ये बनेगा मैजिक वाटर। कैंसर, लीवर फेल, किडनी फेल, ऑटो इम्यून डिजीज, इन सब में ये पानी रामबाण काम करेगा। और यही चीज़, यही अल्कलाइन वाटर जब आंवला डल जाता है तो बन जाता है मैजिक वाटर। डॉक्टर साहब आप बता दो कि पीना क्यों है? एसिडिटी में जीवन जलता है, एल्कलिनिटी में जीवन पलता है। ओशन एल्कलाइन है, जीवन पलता है। आपका ब्लड एल्कलाइन है, आपका जीवन पलता है उसमें। ये जो पानी है, हम जो भी काम करते हैं, बॉडी एसिड बनाती है। इस एसिड को निकालने का बॉडी के पास 4 ही तरीके हैं, रेस्पिरेशन, परस्पिरेशन, यूरिनेशन एंड डिफिकेशन। अगर इन चारों से वो एसिड जितना बन रहा है ना निकला, उसको और पांचवा क्या तरीका है निकालने का, उसको एल्कलाइन कर दें। इसलिए एल्कलाइन वाटर कई बीमारियों को ठीक कर देता है। अब मैं आपको बोलना चाहूंगा इसको पीना कैसे है। सुबह उठ के खाली पेट इस तरह, बिल्कुल नीचे नीचे बैठे आप, उकड़ू बैठ के, जैसे इंडियन टॉयलेट वाला स्टाइल है, इस तरह बैठ के इसको एक 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 घूंट पीना है। ध्यान से देख लीजिए, एक घूंट पीना है, इसको मुंह में चबाओ, एक घूंट पी के 32 बार चबाना है। उसके बाद इसको कुल्ला करना है, चबाओ, मुंह में चबाओ, जैसे रोटी खाते हैं अपनी, चबाओ, दांतों से हिलाओ दांतों को। उसके बाद इसको अंदर लेना है इस तरह खाली पेट 1 गिलास, और दिन में 3 से 4 बार ये आपको अल्कलाइन वाटर अगर आपने पी लिया तो कैंसर, स्टेज 4 कैंसर, ऑटो इम्यून डिजीज, लीवर फेल, किडनी फेल, इन सब में ये रामबाण काम करेगा। और ये हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में जहाँ हम इस टाइम हैं, यहाँ पूरे भारत से लीवर फेल के, किडनी फेल के, स्टेज 4 कैंसर के, ऑटो इम्यून डिजीज के पेशेंट आ रहे हैं। डॉक्टर साहब खुद न्यूक्लियर मेडिसिन के डॉक्टर हैं, स्टेज 4 कैंसर के पेशेंट के 3 पेशेंट हो चुके हैं हमारे पास पिछले 4 महीनों में। उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ चुकी है, नॉर्मल आ चुकी है, मतलब नॉर्मल रिपोर्ट आ चुकी है। और 61 पेशेंट किडनी फेल के हैं जिनका डायलिसिस पूरी तरह बंद हो चुका है, जो दुनिया में अपनी तरह से पहली बार हुआ है ऐसा। एक मिसाल है जी। तो हम यही तरीके से, छोटे छोटे साइंटिफिक तरीकों से कैसे डिजीजेस को रिवर्स करना है वो हम कर रहे हैं यहाँ पे। और ये अल्कलाइन वाटर उसका मैजिक वाटर, दैट इज उसका एक बहुत बड़ा जरिया है। तो आपसे इतनी ही दुआ है, इतनी ही गुजारिश है कि ये आंवला, जिसमें एक आंवले में लगभग 6 किलो संतरे जितना विटामिन सी होता है, गाजर में विटामिन ए, विटामिन ए, B12, विटामिन सी, विटामिन डी, जो धूप से मिलता है, वो सारा कुछ इस मैजिक वाटर पीने के बाद अगर आप धूप में बैठोगे तो वो 3 गुना ज़्यादा काम करेगा। तो कोई भी बीमारी जो लाइलाज है, वो हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं।